नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। राजद सुप्रीमो लालू यादव भले ही जेल में हैं, इलाजरत हैं, रांची के रिम्स में भर्ती हैं, सजा काट रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सहित देश भर की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाते रहते हैं और सक्रियता दिखाते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है अपने ट्वीट के माध्यम से। जैसे कि उन्होंने बताया था कि भले वो जेल में रहेंगे लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में सक्रिय रहेंगे, तो उन्होंने ट्वीट किया है। और इस बार जो ट्वीट उन्होंने किया है वह एक अलग अंदाज का है। एक कविता लिखी है उन्होंने, उस कविता के माध्यम से नीतीश सरकार को घेरा है। नीतीश कुमार को घेरते उन्हें क्या कुछ कहा है, आप उनका यह ट्वीट देखिए। आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, 15 साल की पंक्चर सरकार, गरीब मजदूर की दुश्मन सरकार, 15 साल की पंक्चर सरकार, जमीनी विकास में बंजर सरकार, 15 साल की पंक्चर सरकार, बर्बाद कर दिया पूरा बिहार, बिलखता नौनिहाल, तड़पता मजदूर, मरता किसान, डबल इंजन सरकार, बंद करो झूठ की दुकान। तो लालू प्रसाद यादव ने यह ट्वीट किया है और 15 साल की सरकार को, 15 साल के एनडीए राज को उन्होंने पंचर सरकार की उपाधि दे दी है। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें उन्होंने गरीब मजदूर की दुश्मन सरकार का भी कह दिया है, साथ ही साथ जमीनी विकास में बंजर सरकार भी कह दी है और बर्बाद कर दिया पूरा बिहार भी उन्होंने कह दिया है। तमाम बातें लालू प्रसाद यादव ने कहा है, तो देखने वाली बात होगी कि इस पर अब सत्ता पक्ष के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ आती है, उनके विरोधी नेता क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार सक्रिय हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट करते रहते हैं, ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहते हैं, बिहार सहित देशभर की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनके ही परिवार के लोग या उनके ही आदमी उनका ट्विटर हैंडल संभालेंगे, तो अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। इस पर बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है, तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कराएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।